वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान। नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो जिसमें 35 से ज़्यादा देशों के लोगों ने शिरकत की है और मकसद सभी का एक है कि आयुर्वेद को हम किस कैसे वर्ल्ड वाइड आम लोगों तक पहुंचाएं। और इस वक्त अलोया ग्रुप की एमडी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शशिदास से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इस कंपनी के ज़रिए वो क्या क्या कर रही हैं और किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। नमस्कार, जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ 35 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अलोया गुड़गांव की कंपनी है, हरियाणा की। अलोया का मकसद यही है कि आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक को प्रमोट करना। तो अलोया का बेसिक कंसेप्ट ये है, जैविक फार्मिंग से लेकर जैविक प्रोडक्शन तक, ऑर्गेनिक फार्मिंग टू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, राइट। इसी तरीके से हमारे कई सेगमेंट हैं, जूसेस, आयुर्वेदिक जूसेस, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक आइटम्स, आयुर्वेदिक टी, काढ़ा। इस तरीके के हम 150 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे सभी इन हाउस प्रोडक्शन हैं। इसके अलावा हम काफ़ी किसानों से भी जुड़े हुए हैं, जड़ी बूटियों की खेती भी कराते हैं। बेसिक हमारा यही कंसेप्ट है कि आयुर्वेदा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और हम उसमें बस एक चीज़ और जोड़ते हैं कि ऑर्गेनिक में हम काम करें, जैविक में हम काम करें। डॉक्टर, ये बताएं कि अभी भी आयुर्वेदा एक सेकेंड मेडिसिन के तौर पर जाना जाता है, इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, आपकी सोच भी उस लेवल की होगी, तो आप कैसे सोचते हो कि इसको हम उस लेवल तक लाएं जिससे कि ये आम लोगों के जहन में अपना घर कर जाए। आयुर्वेदा को लेके जो लोग सोचते हैं कि ये रिजल्ट नहीं करता है, रिजल्ट देर से करता है, इसी वजह से लोग इसको सेकेंडरी रख देते हैं। जैसा कि आम आदमी हम भी होंगे तो हम चाहेंगे कि हमें जो भी है इंस्टेंट रिजल्ट मिले, हमें कोई बीमारी तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन आयुर्वेदा थोड़ा धीरे रिजल्ट करता है, लेकिन उसका रिजल्ट परमानेंट होता है। जो बीमारी हमें ख़त्म करनी होती है वो ख़त्म हो जाती है जड़ से। दूसरी चीज़, एट प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मशीनरी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कि अब उतना टाइम आयुर्वेदा के रिजल्ट में नहीं लगता। आयुर्वेदा भी इंस्टेंट रिजल्ट करता है, बशर्ते उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। आपको क्या लगता है इस तरह के एक्सपो से कितना वैल्यूएशन होता है आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि मकसद तो है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसकी ख्याति प्राप्त हो। इस तरह के अगर हम देखा जाए इस तरह के एक्सपो से वैल्यू एडिशन इतना होता है कि मतलब हम लोग भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें आरोग्य में, और एग्जीबिशंस में हम करते रहते हैं, लेकिन हमें एक ही दिन में काफ़ी बेनिफिट हुआ। काफ़ी लोगों के नॉलेज में आए कि हाँ, इस तरीके की एक कंपनी गुड़गांव में भी एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिक में काम कर रही है। तो वैल्यू एडिशन तो इसका इंस्टेंट है और इंस्टेंट ये चलता ही रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि ये खुद यंग हैं और काफ़ी अच्छा आयुर्वेद को समझती हैं, और इनकी भी ख्वाहिश ये है कि आयुर्वेद वर्ल्ड वाइड काफ़ी इसका नाम हो और आम लोगों तक आयुर्वेद पहुँचे। Click on the bell icon to watch our latest videos.